थाना निमोरा क्षेत्र के तहरियाई गांव के निवासी के घरेलू बोरवेल में मासूम के गिरने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी और जिलाधिकारी आगरा पहुंच गए। बोरवेल में गिरे बच्चे को साकुशल निकालने के लिए तत्काल आर्मी और अन्य रेस्क्यू टीम लगाई गई। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई और डॉक्टर की टीम की मदद ली गई। जानकारों की माने तो खराब पड़े घरेलू बोरवेल में खेलते समय बच्चा बोरवेल के खुले गड्ढे में गिर पड़ा। बोरवेल में बच्चे को गिरता देख परिवार में कोहराम मच गया। परिवार की लापरवाही के चलते बच्चे की जान जोखिम में फंस गई। रेस्क्यू टीम फिलहाल बच्चे की जान बचाने में लगी हुई है। एसएसपी मुनिराज ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे की जान बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू लंबा चलेगा। आधुनिक तकनीकी के माध्यम से रेस्क्यू टीम एवं जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में बच्चे की जान बचाने की कोशिश में जारी है। थाना निबोरा में गांव का नाम देरियाई। यहां पे सुबह पुलिस को सूचना मिला है 7:30 बजे के आसपास, 3.5 साल का बच्चे है। एक अपना घर के सामने खेलते समय उनका घर के सामने ये एक पुराना बोरवेल था, उसको बोरवेल के अंदर उनका पैर फिसल के अंदर चले गया था। वो सूचना मिलते तुरंत जनपद आगरा का पुलिस, फायर सर्विस और प्रशासन सब वहां से रवाना करके तुरंत आया। आते समय हम लोग सभी रेस्क्यू टीम का भी कोऑर्डिनेट कराया, हम और डीएम साहब ने कोऑर्डिनेट कराया जनपद स्तर पर। तुरंत एसडीआरएफ टीम को बुलाया और जनपद में आर्मी है, आर्मी की टीम रेस्क्यू टीम को बुलाया, साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को भी हम लोगों ने बुलाया, वो भी रास्ता में है। अब टीम तुरंत सुबह से लगातार काम लगी है। सभी हम लोग सबसे पहले बोरवेल के अंदर बच्चे का वर्तमान हेल्थ कंडीशन देखा है। अब तो बच्चा अंदर जीवित है, अभी कैमरा के माध्यम से हम लोग निगाह रखा है, साथ साथ उनका ऑक्सीजन का सप्लाई भी लगातार चल रहा है। हमारा डॉक्टर टीम, मेडिकल टीम भी उसका हेल्थ कंडीशन का मॉनिटरिंग कर रहा है। साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी और लोकल पुलिस जॉइंटली प्लान करके हम लोग काम करवा रहे हैं। ये लगातार चलेगी ये रेस्क्यू ऑपरेशन। अब हम लोग यहाँ पे कानून व्यवस्था शांति है, जनता से अपील कर शांति से रहने के लिए, और मीडिया से भी मैं अपील करता हूँ आप लोग भी हमको कोऑपरेट करेंगे। अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेस होने के लिए बहुत टाइम लगेगी। आज सुबह 7:30 बजे यहाँ पर एक छोटे लाल है, उनका पुत्र शिवाय वो बोरवेल में गिर गया है। इसकी सूचना मिलते ही हम लोगों ने तत्काल पुलिस और मेडिकल टीम भेज दिया है, ऑक्सीजन इनको पहुंचाया जा रहा है। साथ साथ हम लोगों ने सेना को और एनडीआरएफ को भी सूचित कर दिया है। सेना की टीम पहुंचने वाली है, एनडीआरएफ की टीम भी कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। रेस्क्यू जारी है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि